हेलो एवरी वन वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस आई होप ऑल ऑफ यूर डूइंग गुड सो इग्नू की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई हैं विच आई वुड लाइक टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी अपडेट थी वो थी रिलेटेड टू द थर्टी फिफ्थ कॉन्वकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपने एग्जाम्स जो हैं दिसंबर 2020 या जून 2021 में कंप्लीट कर लिए हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए कि, कि किस तरीके से वो अपनी ओरिजिनल जो डिग्री है उसको ऑप्टेन कर सकते हैं तो उसी रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है जिसको मैं सेपरेटली डिस्कस करूँगा इस पर्टिकुलर वीडियो में एंड uh, वो स्टूडेंट्स जो कि वेट कर रहे हैं अपने डिग्री का आई रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको समझ में आए और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो कि वेट कर रहे हैं अपनी डिग्री का उनको भी आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके या खुद भी अपने एंड से हेल्प कर दीजिएगा ठीक है तो अगर मैं बात करूं तो री रजिस्ट्रेशन की जो डेट्स हैं जनवरी 2022 सेशन की आप देख सकते हैं स्क्रीन पर उसको एक्सटेंड करके अभी 31 जनवरी 2022 तक कर दिया गया है लिंक आपके स्क्रीन पर आपको देख जाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द थर्टी फिफ्थ तो जो आपका मेन पोर्टल का यू नो एड्रेस है आई मेंशन इन दी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो आप वहां से इसको यू नो लिंक को क्लिक करके डायरेक्टली फिल भी कर सकते हैं अपने कॉन्वोकेशन को तो थर्टी फिफ्थ कॉन्वोकेशन जो है ठीक है ये आपका हेल्ड होगा मार्च या अप्रैल 2022 में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अभी इग्नू की तरफ से अपडेट नहीं की गई है आप सभी को पता है कोविड की जो कंडीशन है तो उसकी वजह से एग्ज़ाम्स डिले हो रहे हैं बाकी चीज़ें भी डिले हो रही हैं तो अभी मार्च और अप्रैल 2022 उन्होंने आपकी एक्सपेक्टेड डेट बताई है और वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी दिसंबर 2020 और जून 2021 में टर्म एग्जाम देकर डिग्री कंप्लीट कर ली है तो वो अपना ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है उसके लिए इस पर्टिकुलर कॉन्वोकेशन में अप्लाई कर सकते हैं तो जो कॉन्वोकेशन है आपका सो so, जैसा कि पॉइंट नंबर थ्री में आप देख सकते हैं इट इज़ मैंशन की जो कानवोकेशन है इट कैन बी हेल्ड इन कन्वेंशनल मोड और द वर्चुअल मोड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन तो कोविड की सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका ये डिसाइड किया जाएगा कि जो कॉन्वोकेशन है वो आपका नॉर्मल तरीके से जो होता है जहाँ पर आपको रीजनल सेंटर जाना होता है और वहाँ पर आपको आपकी डिग्री अवॉर्ड की जाती है अगर सब कुछ ठीक रहा तो कन्वेंशनल मोड ही यूज़ होगा नहीं तो वर्चुअल मोड के थ्रू आपको आपके कॉन्वोकेशन की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और आपकी डिग्रीज बाद में प्रोवाइड कर दी जाएंगी मे बी बाय पोस्ट या फिर आप जाकर ले सकते हैं ठीक है तो जो कन्वेंशनल मोड है उसके बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंशन है द स्टूडेंट शाल हैव टू अटेंड द कॉन्वोकेशन एंड कलेक्ट द सर्टिफिकेट एट हिज और हर रीजनल सेंटर वेद द स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू एंड नॉट एनी अदर रीजनल सेंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपने जिस भी रीजनल सेंटर से अप्लाई कर रखा है अपना कोर्स आपको उसी रीजनल सेंटर पर जाकर कॉन्वोकेशन को अटेंड करना पड़ेगा किसी और रीजनल सेंटर पर जाकर आप अपना जो कॉन्वोकेशन है वो नहीं कर सकते और आपको आपका जो सर्टिफिकेट है वो वहीं पर मिलेगा आपके मेन रीजनल सेंटर पर नाउ स्टूडेंट्स विल भी गिवन ऑप्शन टू अटेंड कॉन्वोकेशन इन पर्सन और रिसीव डिग्री और डिप्लोमा बाई पोस्ट तो आपके पास ये भी ऑप्शन है आप चाहें तो बाद में आकर अपना जो कॉन्वोकेशन है अटेंड कर सकते हैं इंडिविजुअली रीजनल सेंटर में या अपनी जो डिग्री या डिप्लोमा है उसको पोस्ट के थ्रू आप मंगा सकते हैं ओके okay?

रजिस्टर्ड कर रखा है इन केस अगर नहीं हो पाता तो आप अपने जो नियर बाय रीजनल सेंटर है उस पर जाकर अपना कॉन्वोकेशन अटेंड कर सकते हैं बट कंडीशन यही होगी कि आपके रीजनल सेंटर पर वो जो कॉन्वोकेशन है वो नहीं होगा इसके अलावा आप चाहते हैं तो अपना जो डिग्री है डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है पोस्ट के थ्रू भी अपने एड्रेस पर आप मंगा सकते हैं इन केस द स्टूडेंट्स आर नॉट इन्वाइटेड टू अटेंड द कॉन्वर्शन और कुड नॉट अटेंड द कॉन्वर्शन इवन आफ्टर सबमिशन ऑफ द रेक्साइड फी देयर सर्टिफिकेट्स विल भी सेंड बाई पोस्ट बाई द कंसर्न रीजनल सेंटर आफ्टर द कॉन्वर्सन सच स्टूडेंट शुड देयर फोर कॉन्टैक्ट देयर कंसर्न रीजनल सेंटर वेयर ही और शी बिलोंग्स टू तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है अगर किसी रीज़न की वजह से आप कॉन्वकेशन अटेंड नहीं कर पाते ठीक है या आप इन्वाइट नहीं किए जाते कॉन्वकेशन के लिए तो आप को आपका जो सर्टिफिकेट है बाई पोस्ट मिल जाएगा और आप अपने रीजनल सेंटर को इसके रिगार्डिंग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तो अभी फीस लगती है इफ़ आई टॉक अबाउट जो आपको पे करनी पड़ेगी वाल फिलिंग आप दी कॉन्वोकेशन फॉर्म तो दूसरा जो आपका सिचुएशन है जहाँ पर आपका वर्चुअल मोड में कॉन्वोकेशन होगा तो आपकी जो डिग्री है बाय पोस्ट आपको भेज दी जाएगी अगर आपको बहुत जल्दी है अपने डिग्री ऑप्टेंट करने की तो आप जाकर भी ले सकते हैं ओके अब कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है कि आपको इस कॉन्वोकेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही करना पड़ेगा इस पोर्टल के थ्रू और जितने भी एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा अपनी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट के लिए और अपनी जो फ़ी है इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन की या कॉन्वकेशन की वो पे करनी पड़ेगी तो अगर आप एक पी एच डी एम फिल मास्टर्स डिग्री बैचलर्स डिग्री पी जी डिप्लोमा या डिप्लोमा प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आपको सिक्स हंड्रेड रुपीज़ की फ़ी पे करनी पड़ेगी अगर आपने कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम या सर्टिफिकेट कोर्स के लिए अप्लाई कर रखा है चाहे वो पी हो तो आपको उसके लिए टू हंड्रेड पे करने पड़ेंगे पेमेंट आप किसी भी मोड से कर सकते हो नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड एनी मोड विच यू आर ओके विद ओके है और जब आप फिल करेंगे तो ध्यान रखिएगा आपको आपके जो एक्नोलिजमेंट स्लिप है उसको रखना है ठीक है कोई भी दिक्कत आती है तो यहाँ पर फोन नंबर मैंशनड है ई मेल आई है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ओके okay? तो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो कि आपका रेड में हाईलाइटेड है कि स्टूडेंट्स ऑफ एम बी एम सी एम कॉम बी टी सी एम एन बी एन एस आर रिक्वायर्ड टू रेमिट रजिस्ट्रेशन फी एट सिक्स हंड्रेड पर सर्टिफिकेट्स स्टूडेंट हैव टू टेक ऑल दी सर्टिफिकेट्स इफ़ दे हैव क्वालिफाइड फॉर मोर देन वन मॉड्यूल ऑफ द प्रोग्राम पेइंग रुपीज सिक्स हंड्रेड ईच तो आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स एप्लीकेबल होते हैं हर एक सर्टिफिकेट के लिए जो फी है दैट इज सिक्स हंड्रेड रुपीज़ तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपने फॉर्म को फिल करना है और फिल करने के लिए सबसे पहले आपको डिकलेशन वाला जो बॉक्स है उस पर आपको क्लिक करना है और फिर उसके बाद में आई एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है तो आपका एक नया पोर्टल ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अपना एनरोलमेंट नंबर पुट करना है पासवर्ड डालना है सिक्योरिटी कोड डालना है लॉग इन करना है अगर आप नए स्टूडेंट हैं आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा तो आप सबसे पहले रजिस्टर कीजिए एंड उसके बाद में आप अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं बहुत ही इजी प्रोटोकॉल है जैसे आपने नॉर्मल अपने एग्जाम फॉर्म को फिल किया उसी तरीके से आप इस फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम आती है आपको आपके यू नो कॉन्वकेशन फॉर्म को फिल करने में तो यू गाइज कैन आस्क योर क्वेश्चन तो अभी वीडियो में ये पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट उनको ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ दिसंबर 2020 एंड जून 2021 में वो स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं टर्म एंड एग्जाम में दे कैन अप्लाई फॉर द कॉन्वोकेशन इसके अलावा बाकी स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते ओके वैसे आप अगर जाएंगे तो उसमें भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा तो दिस इज ओके आप जब अपना फॉर्म फिल करेंगे तो उसके थ्रू भी आपको पता चल जाएगा कॉन्वोकेशन का कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं ठीक है फीस का याद रखिएगा जो भी आपके यू नो मास्टर्स बैचलर्स डिग्री के कोर्स हैं डिप्लोमा कोर्स है तो सिक्स हंड्रेड रुपीज सर्टिफिकेट कोर्स के लिए द फी वुड बी टू हंड्रेड रुपीज़ पर सर्टिफिकेट ठीक okay. है तो बाकी जो भी क्वेरी है जैसे मैंने आपको बोला आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं या मुझे ईमेल करके भी पूछ सकते हैं और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा कोई क्वेरी हो तो आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा लिए इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टे सेफ़ स्टे हेल्दी बाय